तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि कॉन्सेप्ट क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का और कैसे हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और हमने डिस्कस करा था वो वाला केस जब हमारी जो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हो वो नॉन जीरो हो। तो चलो फिर इस वीडियो में देखते हैं कि अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो होती है तो कैसे अप्रोच करना है और देखते हैं कुछ और अच्छी बातें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। सो गाइस, इसमें क्या बात करनी है, हमने बात कर ली थी कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो तो जो ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म की मैट्रिक्स होती है उसको हम लिख पाएंगे एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जहां पर आप ए इनवर्स कैलकुलेट करके इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड या फिर एक्स वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अगर डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो हो जाए तो उस केस में जो ए इनवर्स है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर मेरे वर्ड समझ ना आ रहे हो तो इसका पार्ट वन देखो, उसमें सब अच्छे से बताया, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में हमारा क्या स्टेप रहेगा, हमारा स्टेप रहेगा कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी, हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाला ये होने के बाद और वो नॉन जीरो आ गया तो हम कह देंगे कि इस सिस्टम में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल आ जाए तो इस केस में हम कह सकते हैं कैनॉट कॉमेंट, कि सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और नोट में मैं क्या कहना चाहूंगा कि इन आवर सिलेबस यूनिक सॉल्यूशन क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। हमारे सिलेबस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो हर ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये प्रोसीजर अपनाना होगा, ठीक है। कुछ ना के बराबर क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये वाला प्रोसीजर करना है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस याद रख लेना कि अगर जीरो हो जाता है तो ऐसे ऐसे करना है। और अगर ये भी जीरो हो जाए एडजॉइंट ए इनटू बी तो फिर हम नहीं बता सकते सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। एक्चुअल में कहूँ तो बता तो सकते हैं लेकिन इस मेथड से नहीं बता सकते, उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ना पड़ेगा। एक मेथड होता है क्रैमर्स रूल, खैर उस पर बात नहीं करूंगा मैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छी बातें करने के लिए। इस टॉपिक के साथ हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो कुडोज टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी वीडियोस अच्छे से देखी और इस चैप्टर को सीखा हो। अब एनसीईआरटी से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना गाइज, ओके, ठीक है गाइज। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छी बातें करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें।